चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की, जो कोलकाता कांड के बाद से ही आज हड़ताल पर बैठ गए हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से ठप है और खास करके अब इसे लेकर जो मरीज हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सभी डॉक्टर्स देश भर के जो हैं वो सुरक्षा की मांग को लेकर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी यही मांग है कि उन्हें सुरक्षा दिया जाए और साथ ही साथ अब तक, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स के लिए कोई भी सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम नहीं किए जाते हैं, और इसका जो नतीजा निकलकर सामने ये आया है कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। अब इसे लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 24 घंटे तक ओपीडी सेवा ठप रहने वाली है और इसे लेकर जो मरीज हैं उन्हें काफी परेशानी होने वाली है। लेकिन बार बार ये मांग कर रहे हैं कि गुनहगारों को जो है सजा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ डॉक्टरों को जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग हो रही है लगातार जब से ये घटना सामने आई है। और आपको देखिए अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कोलकाता से नहीं बल्कि देश भर से इसी तरह से प्रदर्शन करती जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई है। चेन्नई, तमिलनाडु की भी तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मार्च निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की आप तस्वीरें देखिए, कोलकाता में तो यहां प्रोटेस्ट किया ही जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा, लेकिन केरल में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से भी, शहरों से भी इसी तरह से तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। और कल ही आपने देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि अगर किसी भी डॉक्टर के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो 6 घंटे के भीतर भीतर FIR होनी जरूरी है। जो बड़ी खबर आ रही है, संजय रॉय उसकी मां का बयान सामने आया है कि जांच के बाद सच सामने आएगा। यह संजय रॉय की मां का कहना है, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजय रॉय की मां यह कह रही है। गायत्री, तो ये आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी मां का बयान सामने आया है। संजय रॉय की मां कह रही है कि जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का घर भवानीपुर में है। ये घर आप देख रहे हैं जो संजय रॉय का बताया जा रहा है, भवानीपुर कोलकाता में ही है। पीजी जो अस्पताल है उसके ठीक पास ये भवानीपुर है और यहीं पर ही संजय रॉय का घर है। संजय रॉय के घर के अंदर की भी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। रिपब्लिक भारत की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो उनकी माता जी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। संजय रॉय यहीं रहता है, आप लोगों के साथ ही रहता था? हाँ, हम लोग के साथ। कब से, मतलब शुरुआत से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? इससे पहले जब से जन्म लिया तब से यहीं रहता है। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, संजय रॉय के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बताया आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ऐसा बोल नहीं सकता है, मगर कैसे हो गया, हम कैसे बोल रहा, सब वही बात बोल रहा, हमारा भी टेंशन आ रहा जो लड़का ऐसा है नहीं, अब लड़का के ऐसा बात सुन रहे कितना खराब लग रहा, बोलिए तो। क्या काम करता है संजय रॉय? संजय रॉय तो अच्छा कॉलेज में रहा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, फिर खेला धूला में अच्छा था। तो नौकरी क्या करता है? नौकरी सुना पुलिस में मिल गया, खेला धूला में। उसका बाद जैसा घटना हो गया हमको कुछ पता नहीं चल रहा। कितने समय से पुलिस की नौकरी कर रहा है? वो हमको पता नहीं है, काम में जाता रहा, आता रहा, खाना पीना सब बांध उन के देते थे। उसका कभी वर्दी में देखा आपने संजय रॉय को? वो सब गुच्छा उछा के लेके जाता ना। अच्छा, यहाँ से वर्दी पहन के नहीं जाता? नहीं, हम तो ऐसा देखा नहीं, दो एक बार देखा था, उसका बाद हम नहीं देखा। वो अपना लेके जाता आता ना, खाना पीना लेके उनका बेहिन बना देता ना, और उनका भगनी भी रहा संग में, सब टिफिन उपिन कर लेता ना। अच्छा। सब बैठ के उसका बाद जो घटना हुआ हमको पता नहीं है। उनका बहू भी आया कुछ दिन रहा, उसका बात मिला ही होला जे उसका ब्लड कैंसर है। कब हुई थी शादी? शादी तो हो गया 1 साल से बेसी हो गया, उसमें उनका काम भी 1 साल होता है। अच्छा, तो कैसे साल हो गया हमको कैसे मालूम? संजय की 4-4 शादियां हुई है? हमको नहीं मालूम है, यही बात तो जो बोल रहा ना, हमको माथा में बहुत टेंशन लग रहा। 4 शादी हुआ तो काहे 4 शादी कराया तुम लोग? हमारा कहना में हम एक बहू देखा है, 4 बहू का ही शादी कराया, और जो कराया उसका भूल है, इसका ऑब्जेक्शन कोई नहीं कर। और इस
वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज जेके अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई दफ्तर में दूसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। कल भी सीबीआई ने 12 घंटे तक संदीप घोष से सवाल जवाब किए थे और लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। सीबीआई दफ्तर में दूसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, कल भी संदीप घोष से पूछताछ की गई थी, घटना को लेकर सवाल जवाब किए गए थे, पूरी जानकारी मांगी गई थी। और अब यह बताया जा रहा है कि कल 12 घंटे तक पूछताछ के बाद आज एक बार फिर संदीप घोष को सीबीआई के सवालों का करना होगा सामना। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए ट्रेन हादसे की। बड़ा सवाल, हादसा या फिर साजिश? तो हादसा ये साजिश, इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कानपुर में रेल हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 22 डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के जो बेपटरी हो गए हैं, और उसके बाद जो जानकारी ये सामने आ रही है कि आशंका इस बात की हो रही है कि कोई बड़ी चीज रेल पटरी पर रखी हुई थी और उसके टकराने की वजह से 22 डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल हो गई है। हालांकि अभी आप बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया है कि इस पूरे मामले की जाँच जो है आईबी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कर रही है, जिसके बाद तमाम चीजें जो है निकल कर सामने आएगी कि ये वाकई में हादसा है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। देश में जो रेल हादसे हो रहे हैं वो इत्तेफाकन हो रहे हैं या साजिश के तहत कराए जा रहे हैं, इसे लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानपुर में रेल हादसे को लेकर साजिश की थ्योरी सामने आ रही है। साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर का दावा है कि जब ट्रेन बेपटरी हुई तो उसे किसी संदिग्ध चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी, यानी ट्रेन की पटरी पर पहले से कोई संदिग्ध वस्तु रखी हुई थी जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई। कानपुर साबरमती ट्रेन के डिरेल होने का मामला, दरअसल आपको बता दें, यही वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है जो सामने आना था, जिसके बाद से ही तकरीबन 22 जो कोचेस थे वो डिरेल हुए थे। साफ तौर पर आपको दिखा दें, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, चूँकि एक जांच का विषय है कि किस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट था ये आता है। तकरीबन 2:30 का ये हादसा है, जिस वक्त इस तरह के ऑब्जेक्ट जो ट्रैक है उस पर आने के बाद जो ट्रेन के कोचेस थे वो डिरेल हो जाते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय, चूँकि आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। चूँकि क्या एक एंगल ये भी जांच का है कि क्या किसी शरारती तत्व ने इस तरह की शरारत करी है या कोई एक साजिश है इस तरह के बड़े हादसे को अंजाम देने की, जिसके चलते अब जो आईबी की टीम्स है वो भी कानपुर पहुंच चुकी हैं और खुद यहां पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो इस पूरे मामले की जाँच करी।